Hey guys, in this video we are going to discuss about genetics PYQ, so let's try to understand. The first question they have been asked, like an individual, jo ek individual hai, they had a genotype of AA, BB, CC, DD and capital E, small e. Assuming that there is an independent assortment, what is the frequency of gametes that will have the genotype this one A, B, C, D, E? Ye jo hai aapko paya jane. सो एग्जैक्टली अगर ये आपका इंडिविजुअल जीनोटाइप ये है, इससे ये गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली बी द आंसर. सो हियर व्हेन यू लाइक आपने देखा कि कैपिटल ए, यहाँ पे जो जीनोटाइप पैरेंटल का दिया हुआ है वो है कैपिटल ए स्मॉल ए. इसके बाद दिया हुआ है कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड कैपिटल ई स्मॉल ई. ये जो है ये आपके पेरेंट का जीनोटाइप दिया हुआ है. दिस इज अ लाइक पेरेंटल जीनोटाइप. इससे आपको गैमेट बनाना है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड स्मॉल ई. तो अगर इससे देखोगे तो इस पर्टिकुलर केस से हेटरो है, तो हेटरो से ये गैमेट बन सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए. अगर इस दो गैमेट बन सकते हैं, दो में से इस गैमेट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, क्योंकि दो में से ये एक बन रहा है और इस गैमेट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी. तो फॉर हेटरो, अगर कोई कहीं पे भी आपके पास हेटरो होता है तो हेटरो से एक गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है. अगर होमोजाइगस है वहाँ पे, तो वहाँ होमो हेटरो का मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल सी या कैपिटल सी स्मॉल सी या आपका कैपिटल डी स्मॉल डी, ऐसे हो सकता है. अगर यहाँ पे बात करते हैं केस ऑफ होमो, जैसे कि इस कैपिटल ए स्मॉल ए या स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी या स्मॉल बी, अगर इस तरीके की चीज़ बनती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, तो ही कैपिटल ए स्मॉल ए से जो प्रोबेबिलिटी बन रही है ए की हो, क्योंकि ये हेट्रो है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. यहाँ पे बी भी हेट्रो है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. सी भी हेट्रो है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि सॉरी होमो है तो 1 हो जाएगा, डी होमो है तो 1 हो जाएगा और ई जो है 1/2 हो जाएगा. सो दैट मीन्स अगर इसको करेंगे तो दिस विल बी 1/8. तो आंसर जो है आपका 1/8 आना चाहिए, दैट इज द सेकेंड आंसर. इस तरीके से जो है यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं. नाउ इसके अलावा जो होता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंसिडर थ्री इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स पेयर्स एंड हैविंग द कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी and capital C small c. The probability of obtaining the offspring of this one from the parent that are capital A small a, capital B small c and capital C, और ये आपको parent से obtain करना है. बहुत ही आसान सा question है. इस question को मैंने एक trick बताया हुआ है genetics में, probability के case में. अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, but उसको मैं एक बार फिर से summarize कर देता हूँ. The trick is like कि अगर आपका homo, ठीक है, अगर होमो इनटू होमो का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, होमो में आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, जैसे कि कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, कोई भी हो, अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 पे आएगी. अगर होमो आप हेट्रो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो हो जाएगा 1/2. एंड अगर आप हेटरो इनटू हेटरो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे पूछा गया है, वो डिपेंड करता है कि होमो पूछा जाएगा तो 1/4 और हेटरो पूछा जाएगा तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी होगी. ये आपको ट्रिक बताया गया था. अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा. चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पेरेंटल का प्रोजिनी जो दिया है कैपिटल ए, यहाँ पे देखिए ये है पेरेंटल, पेरेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है. एक पेरेंट ये जीनोटाइप का है, दूसरा ये है. कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी एक पेरेंट है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी दूसरा पेरेंट है. तो हमने क्या रखा है कि एक है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी पहला पेरेंट है, फिर दूसरा कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी एंड कैपिटल सी ये. तो यहाँ पे जब भी ऐसे लिखा जाए पेरेंट पे लिख लीजिए. ये देखिए ये है हेटरो, ये देखिए ये है हेटरो और ये है होमो, आपने लिख लिया. ये देखिए ये है होमो और ये है आपका हेटरो और ये है आपका हेटरो. तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आपकी प्रोजेनी क्या पूछी जा रही है वो चेक करते हैं. प्रोजेनी जो है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, प्रोजेनी जो है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी पूछी जा रही है. तो ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो हर एक इंडिविजुअल जीन से देखना है आपको, तो ए का ए के साथ क्या है,
हेटरो इंटू होमो का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दैट मीन्स हेटरो इंटू होमो मतलब 1/2, ठीक है। अब बी का देखिए, ये है हेटरो, ये है हेटरो, हेटरो इंटू हेटरो का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है हेटरो, हेटरो जब ये पूछा गया तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/2। एंड अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये होमो इंटू हेटरो का है तो ये सी के लिए भी 1/2 हो जाएगा, दैट अगेन आंसर विल बी 1/8। आंसर जो है 1/8 आ जाना चाहिए, जो कि इस पर्टिकुलर केस में आ गया, ठीक है जी। चलिए, सो दिस इज द केस जो कि 1/8 आ गया। नाउ गिवन दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट अ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर हेटरोजाइगस फॉर अ रिसेसिव एलील। गिवन दैट कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर हेटरोजाइगस फॉर अ रिसेसिव एलील फॉर एल्बिनिज्म इफ दे हैव द डाइजाइगोटिक ट्विंस। इनके पास, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं, कि अगर एक हस्बैंड जो है वो दोनों के दोनों हेटरोजाइगस है एक रिसेसिव एलील के लिए एल्बिनिज्म, इफ दे हैव द डाइजाइगोटिक ट्विंस, इनके पास दो से मिलके एक ट्विंस बन रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ट्विंस विल हैव द सेम फिनोटाइप फॉर द पिगमेंटेशन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दो जायगोट से दो ट्विन बन रहे हैं, मतलब एक जायगोटिक नहीं है, उनकी सेम फिनोटाइप होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं कि दे आर लाइक टॉकिंग अबाउट रिसेसिव एलील कॉजेज द एल्बिनिज्म, मतलब दिस स्मॉले स्मॉले विल कॉज द एल्बिनिज्म, स्मॉले स्मॉले जो होगा वो एल्बिनिज्म कॉज करेगा, एंड इसके अलावा जो आपका कैपिटल ए हो या कैपिटल ए स्मॉल ए हो, ये आपके नॉर्मल फिनोटाइप के तरीके से बिहेव करेंगे। बोला जा रहा है कि एक मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों जो हैं वो हेटरोजाइगस है। हेटरोजाइगस का जब क्रॉस करोगे तो आपके पास चार तरीके के जीनोटाइप अपीयर होंगे, जिसमें से कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/2, एंड स्मॉल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका 1/4 होगा। अगर आप देखोगे तो कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए तीनों मिला के इसका जो फिनोटाइप होगा वो नॉर्मल होगा, यानी इस टोटल प्रोबेबिलिटी को देखोगे तो ये 3/4 कहलाएंगे, दिस इज अ 3/4, एंड ये जो आपका स्मॉल ए स्मॉल ए होता है ये आपका एल्बिनिज्म होगा, रिसेसिव एलील जो होगा वो एल्बिनिज्म होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो है क्या होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस में जिसके पास सेम फिनोटाइप, एल्बिनिज्म नहीं सेम फिनोटाइप हो, यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब यू हैव द टू ट्विंस। अब ये दोनों ट्विंस पे सेम फिनोटाइप का मतलब अगर ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल हो, और अगर ये एल्बिनिज्म है तो ये भी एल्बिनिज्म हो। तो अगर हम दोनों केस को लिखें, पहले केस प्लस दूसरा केस, पहला केस बोल रहा है नॉर्मल नॉर्मल का, पहला और दूसरा नॉर्मल हो एंड या तो पहला और दूसरा एल्बिनिज्म हो, नॉर्मल एंड नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 3/4 हो जाएगी, प्लस एल्बिनिज्म होने की 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16 और ये हो जाएगा 1/16, एंड व्हेन यू सी दिस इज अ 10/16, और अगर इसको दो से डिवाइड करते हैं तो ये 5/18 आ जाएगा। द राइट आंसर फॉर हियर दैट इज अ 5/18, ठीक है ना। तो 5/18 जो है इस तरीके से आंसर आ जाएगा, दैट इज 5/8, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इन अ फैमिली विद 3 चिल्ड्रेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर बॉयज एंड 1 इज गर्ल। पूछा जा रहा है कि एक फैमिली में जो है वो आपके पास 3 चिल्ड्रेन हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 आर बॉयज एंड 1 इज गर्ल। अब इन्होंने ऑर्डर के ऊपर बात नहीं करी है। अब इसको आप तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मतलब दो तरीके से, या तो इस पे आप लगाओ आपका बाइनोमियल थ्योरम या नॉर्मली भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए कि आंसर जो इसका आएगा 1/3/8 आ रहा है, कैसे आ रहा है देखिएगा। हमारे पास ये होता है कि एक फैमिली है, हमारे पास उसके उस फैमिली के पास जो है 3 चाइल्ड है। अभी 3 चाइल्ड में क्या है कि 2 बॉय होने चाहिए और 1 गर्ल होनी चाहिए, ये आपके पास है। अब हो सकता है कि हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कि ये हो कि बॉय बॉय फिर गर्ल आए, या बॉय गर्ल बॉय आए, या गर्ल बॉय बॉय आए, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। सो यही 3 कंडीशन आपको अपीयर होने वाली है, बिकॉज गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 होती है
और बॉय होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होती है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस इज 1/2 × 1/2, ये प्रोबेबिलिटी है, प्लस 1/2 × 1/2 × 1/2 प्लस 1/2 × 1/2 × 1/2, क्योंकि बॉय और गर्ल सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये होगा 1/8 + 1/8 + 1/8। ये कंडीशन जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव द 3/8 कैटेगरी, आपको जो है 3/8 जो है मिल जाने वाला। तो ये कंडीशन है आपके लिए, दैट इज द सी ऑप्शन जो कि हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या इस पे जो है बाइनोमियल भी लगा सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में जो होता है कि वो कंडीशन आपके पास अपीयर हो सकती है। तो बाइनोमियल में जो एक्सप्रेशन आता है, द प्रोबेबिलिटी जो होती है उस दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दैट इज आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये जो होता है ये इंटू पी टू पावर आर एंड क्यू टू पावर एन माइनस आर, ये पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो है पी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर केस में, एन जो है टोटल नंबर की बात करती है, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ इवेंट या टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड जिसकी बात की जा रही है, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका पी है, बॉय की होने की प्रोबेबिलिटी, बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। इसके बाद क्यू जो है वो गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड आर जो है वो ये बता रहा है दैट इज नंबर ऑफ इवेंट्स इन वन कैटेगरी, मतलब जो है बॉय कितनी बार हो रहा है, बॉय का नंबर कितना हो रहा है। जैसे बॉय यहाँ पे जो है वो है 2 है, क्यू जो होगा वो 1/2 होगा, एंड यहाँ पे जो है पी आपका 1/2 है, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड 3 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना। चलिए देखिए, आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली, तो इस पर अगर आप फॉर्मूला रखते हैं तो पी विल बी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर 1 फैक्टोरियल इंटू पी है 1/2 टू पावर जो है वो 2 इंटू 1/2 टू पावर 3 - 1 दैट इज 1, मतलब 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 3 × 2 × 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, 2 + 2 कैंसिल, और इसको करेंगे तो ये 1/2 × 3, और ये किया आपने तो 1/2 × 3 होता है 1/8, तो ये आ जाएगा 3/8। तो ये होता है आपका इस पर्टिकुलर केस का फॉर्मूला, जो कि नॉर्मली कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है कि जब हमारे पास 3 है तो हम आसानी से इस कहते हैं कि पॉसिबिलिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का एडवांटेज ये होता है कि आपके कितने भी बॉयज़ हो, 5, 6, 10, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इससे कॉम्बिनेशन बनाने में आपका काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। सो ये कंडीशन आपके पास पाई जाती है। तो इसमें जो होता है, जब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि देयर इज अ वन केस, ऑर्डर जब फिक्स होता है तो आपका सीधे सीधे बॉयज़ एंड गर्ल में क्या होता है कि इसमें एक और कंडीशन बात आती है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑर्डर की बात आते हैं। अगर ऑर्डर फिक्स है या तो ऑर्डर नॉट फिक्स है, ये कंडीशन बनता है कि अगर ऑर्डर फिक्स है, ठीक है ना, या तो ऑर्डर नॉट फिक्स है। ऑर्डर फिक्स होगा तो सीधे जो है जितने बॉयज़ हैं, मान लीजिए कि आपके पास एन नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो बॉयज़ और गर्ल्स है, तो उसमें 1/2 1/2 1/2 करना है आपको एन टाइम्स, ठीक है ना, जितनी बॉयज है उतनी बार कर लीजिए, आपको फिक्स ऑर्डर में वो मिल जाएगा। लेकिन ऑर्डर अगर नॉट फिक्स है तो ऑर्डर फिक्स, ठीक है ना, क्या करना है कि ऑर्डर फिक्स कर दीजिए, और ऑर्डर फिक्स करने के बाद जो इसकी प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डर फिक्स इनटू एन। जैसे अगर देखिए कि यहाँ पे मैंने बता दिया इसी क्वेश्चन में कि बी बी जी मतलब बॉय बॉय और गर्ल ही आने चाहिए, पहले दोनों बॉय हो और बाद में गर्ल हो, मतलब यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कि ये जो है प्रोबेबिलिटी यही होगी। तो इस कंडीशन में बॉय इसका क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 एंड 1/2 दैट इज 1/8, ये हो गया। लेकिन हमने बोला कि इसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, बस 2 बॉय और 1 गर्ल चाहिए किसी भी ऑर्डर में हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता, टोटल नंबर एन था, एन इंटू 1/8 कर देते वो 3/8 आ जाता। तो ये कंडीशन आपके साथ अपीयर होती है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि ये वहीं पे अप्लाइड होगा जहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी सेम हो, मतलब पी एंड क्यू इज इक्वल टू सेम,
जब ये सेम होगा तभी ये चीज आप अप्लाई कर पाओगे, मतलब बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी यहाँ 1/2 थी इसलिए आपने ये आसानी से अप्लाई कर दी। अगर ऐसा नहीं होता उसके लिए फिर आंसर अलग आ जाता, मतलब उसके लिए फिर आपको अगर पी एंड क्यू नॉट इक्वल है तब आपको बाइनोमियल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दैट अ डोमिनेंट एलील ओवर अ स्मॉल, मतलब कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर अ स्मॉल ए एलील रिजल्ट्स इन द डार्क स्किन पिगमेंटेशन इन अ मीटिंग ऑफ कैपिटल ए कैपिटल ए विद कैपिटल ए स्मॉल ए विद कैपिटल ए स्मॉल ए इफ द सिक्स ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हैविंग द डार्क पिगमेंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, सो अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि दैट यू हैव लाइक अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए को जब आप करेंगे तो डार्क पिगमेंट होने के लिए आपके पास क्या होता है, दैट इज स्मॉल ए और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 है। ए इज डोमिनेंट हेयर एंड रिजल्ट्स इन द डार्क पिगमेंटेशन, जो स्मॉल ए एलील है वही आपको डार्क पिगमेंटेशन में जाता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो है ये चीज चल रही थी कि जब कैपिटल ए डोमिनेंट है इसके लिए एंड रिजल्ट्स इन द डार्क पिगमेंटेशन और वही जो है डार्क पिगमेंटेशन में चलता है, तो मतलब ये जो है डार्क स्मॉल ए जो है ये लाइट पिगमेंटेशन होगा। ठीक है ना, और कैपिटल ए स्मॉल ए जो होगा या कैपिटल ए हो जो होगा दैट इज अ 3/4 की प्रोबेबिलिटी ये डार्क में होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डार्क पिगमेंटेशन कैपिटल ए की वजह से आ रहा है। तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर डार्क पिगमेंटेशन। अब इसमें क्या करना है कि आपके पास 6 ऑफस्प्रिंग है और आप चाहते हैं कि सारे के सारे डार्क पिगमेंटेशन के होगा, तो 3/4 × 3/4 ये करके आप 6 बार लिखेंगे। ठीक है ना, 3/4 × 3/4 × 3/4 × 3/4 × 6 ऑफस्प्रिंग का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दिस इज अ 3/4 to power 6 और इसको हम ये भी बोल सकते हैं 3/4 जो होता है वो होता है 0.75 to power 6। तो 0.5 to power 6 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको क्या करना है, कैलकुलेटर की हेल्प लेना है, 0.75 to power 6। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा 0.725 power 6 करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.177 के आसपास आ रही है। अगर इसको देखोगे तो इसमें जो है वैल्यू 0.18, इसको हम लिख सकते हैं 0.18। ठीक है ना, तो आंसर जो हो जाएगा वो 0.18 आ जाएगा, आंसर ए जो है इस कंडीशन में अपीयर हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ पाई जा रही है कि डार्क पिगमेंटेशन कौन है और लाइट है, ये चीज़ क्लियर रखे रहिएगा। नेक्स्ट, दे आर आस्किंग अबाउट द हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलील इन अ पॉपुलेशन इज 0.19, ये चीज पाया जा रहा है, एंड 0.81 ये अपीयर हो रहा है। इफ द पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलील इन अ पॉपुलेशन इज 0.9 ये बोला जा रहा है एंड ये बोला जा रहा है स्मॉल बी के लिए इतना है। तो हार्डी विनबर्ग में व्हाट विल बी द परसेंटेज पूछ रहा है हेटरोजाइगस का, तो परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए देखिएगा कि पी और क्यू आपके पास दिया हुआ है। ठीक है ना, सो व्हेन यू हैव द पी एंड क्यू, ध्यान देते हैं देखिएगा, सो आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पी दिया हुआ है आपके पास दैट इज 0.19, ये वैल्यू दी हुई है, पी की वैल्यू 0.19 है और क्यू की वैल्यू दी हुई है 0.81। हेटरोजाइगस, हेटरो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × P × Q 2 × 0.19 × 0.81, यानी जब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास करीब करीब 0.19 × 2 × 0.81, तो ये आ जा रहा है 0.3078। ये जो है आपकी हेटरो की फ्रीक्वेंसी है, ये जो है हेटरो की फ्रीक्वेंसी है, इन्होंने परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज करने के लिए आप फ्रीक्वेंसी इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटू 100 कीजिए तो ये वैल्यू 0.30 × 100 करेंगे तो ये 30% जो है वो आ जाने वाला है।
सो आंसर जो है वो आपका 30% किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ये है आपका अप्रॉक्सीमेटली सी, यानी 31% के आसपास जो है वो आपको आएगा, एंड दिस इज द सी ऑप्शन जो कि यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्लांट विद दिस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी फ्रॉम दिस ट्राई हाइब्रिड प्लांट। इस कहते हैं व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्लांट विद दिस जीनोटाइप फ्रॉम द ट्राई हाइब्रिड पेरेंट। तो अगेन ये कंडीशन जो है आपके पास चलेगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो हियर इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन प्लांट पेरेंटल जो जीनोटाइप है अगर देखेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये चीज पाई जा रही है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसको क्रॉस करिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ। तो यहाँ पे ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है और ये भी हेट्रो है, मतलब सब हेट्रो हेट्रो का क्रॉस बन रहा है। तो हमें नीचे देखना है कि बन क्या रहा है, तो वो है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, मतलब ये एंड इसको बनाना है। तो ये देखेंगे तो हेट्रो हेट्रो का क्रॉस करके अगर इन्होंने हेट्रो पूछा है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो हो जाने वाली है वो हो जाने वाली है 1/2, प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा 1/2। हेट्रो और हेट्रो को मिला के अगर होमो पूछ रहा है तो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, एंड हेट्रो हेट्रो मिला के हेट्रो पूछेगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इस केस में करेंगे तो 1/16, दिस इज द राइट आंसर फॉर हियर 1/16 के ऊपर। अगर इसमें क्या है कि ही अगर देखिएगा कि 1/16 जो है ये पैच आ रहा है, अब आउट ऑफ 64 पूछ रहे हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग दिस प्लांट फ्रॉम द ट्राई हाइब्रिड पेरेंट्स, इससे ये चीज पूछा जा रहा है। तो जरा सा आप इसको क्या करिए, इसको जो है वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करना है कि मतलब 1/16 बन रहा है, 4, 2, 8, 2, 16, ठीक है ना। 16 में से अगर हम इसको 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दे 4 नीचे कर दे तो ये आंसर जो आ जाएगा आपका 4/64 आ जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ए, दैट इज 4 out of 64, दैट इज पहला जो है वो आंसर आ जाने वाला है, ठीक है जनाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा, ठीक है ना। तो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे आर आस्किंग 1 centimorgan इज डिफाइंड एट द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकाई with a statistically corrected recombination frequency. 1 centimorgan का मतलब होता है 1% of the recombination frequency. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें। सो हमने ये पढ़ा है कि 1 centimorgan 1% recombination frequency जो होता है, 1% recombination frequency that is equal to the 1 centimorgan या दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द 1 map unit, ये चीज पाई जाती है। सो इसीलिए जो है आंसर यहाँ पे होना चाहिए, अगर 1 centimorgan है तो उसके पास 1% होगा, दैट इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स वुड बी देयर इन द प्लांट वेयर 2n = 20, ठीक है ना, कि लिंकेज ग्रुप्स जो है कितने पाए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। कैसे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि आंसर विल बी द 4th, यानी कि ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इफ 2n = 20, अगर 2n = 20 है, सो दैट मींस कि देयर आर n, मतलब n की वैल्यू जो है वो 10 है, दैट मींस दिस इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इतने ही क्रोमोजोम आपके पास पाए जा रहे हैं। लिंकेज ग्रुप्स आर द ग्रुप्स ऑफ जीन दैट आर सो क्लोज टूगेदर on the chromosome that they tend not to assort independently, मतलब अगर लिंकेज ग्रुप्स की बात करते हैं वो इंडिपेंडेंटली assort नहीं करने वाले हैं। तो सीधी सी बात होती है कि अगर हम बात करते हैं कि एक क्रोमोजोम के पास, ये समझिएगा कि दैट वन क्रोमोजोम हैव इक्वल टू द वन लिंकेज ग्रुप, एक क्रोमोजोम के पास वन लिंकेज ग्रुप पाया जाता है, जो उस क्रोमोजोम पे होगा उस तरीके से होता है
कि वन क्रोमोजोम इज एग्जैक्टली लाइक कि ये जो है आपके लिए एक लिंकेज ग्रुप के तरीके से होता है. ये हमेशा ऑलवेज करेक्ट नहीं है बट जनरली ये चीज पाई जाती है. सो इफ यू हैव द 10 क्रोमोजोम तो आपके पास कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, 10 लिंकेज ग्रुप होगा. तो 10 लिंकेज ग्रुप जो होता है वो पाया जाता है. तो ये चीज ध्यान रख रहिएगा, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल बी द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप. तो आंसर वुड बी द 4th ग्रुप. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ गैमेट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द जीनोटाइप दिस वन. कितने कॉम्बिनेशन जो है गैमेट के बन सकते हैं. तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे सारे के सारे अगर फॉर्म देखिए ए बी सी डी ई एफ जी सारे के सारे हेटरो फॉर्म में अवेलेबल है. तो व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन, इस चीज को चलिए समझते हैं कि आंसर क्या होगा और किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा. तो आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ एंड कैपिटल जी स्मॉल जी. ये चीज आपके पास पाई जा रही थी जिसमें कि गैमेट के बारे में पूछा जा रहा है. इससे भी दो गैमेट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे भी दो गैमेट बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे भी दो गैमेट बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी, इससे भी दो गैमेट बनेगा कैपिटल डी, इससे भी दो बनेगा कैपिटल ई स्मॉल ई, इससे भी दो बनेगा कैपिटल एफ स्मॉल एफ और इससे भी दो बनेगा कैपिटल जी स्मॉल जी. तो सबसे दो दो गैमेट बन रहे हैं तो 2 × 2 × 2 ठीक है, फिर × 2 × 2 × 2 × 2 ये आएगा. लेटर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि अल्टीमेटली अगर इसको देखोगे तो दिस इज 2 to power 7 एंड 2 to power 7 को जो है आपको सॉल्व कर लेना है. तो आपका आंसर जो है अपने आप आ जाएगा दैट विल बी 128 ठीक है ना. तो ये वैल्यू जो है 128 यानी 4th ऑप्शन के बराबर हो जाएगा. ठीक है जनाब, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या है कि एलील ए इज डोमिनेंट ओवर दिस वन इन अ पिगमेंटेशन छह. ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है अभी कि क्या एक्सप्लेनेशन होगा. ठीक है ना, नाउ यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा. ये क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है कि अ प्लांट विथ ऑरेंज फ्लावर वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड. एक प्लांट है जो कि ऑरेंज फ्लावर के साथ है, सेल्फ पॉलिनेटेड है. इन एफ वन प्रोजेनी वी ऑप्टेन 38 प्लांट्स प्रोड्यूसिंग द रेड फ्लावर्स. ठीक है ना, हमने एफ वन प्रोजेनी में देखा कि करीब करीब 38 फ्लावर्स एक प्लांट जो है जो ऑरेंज फ्लावर्स जो है वो सेल्फ पॉलिनेट किए गए. F1 में 38 रेड फ्लावर थे और 80 प्लांट जो थे वो ऑरेंज फ्लावर थे और 41 प्लांट जो थे वो येलो फ्लावर थे. लाइकली टू एक्सप्लेन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन दैट द जीन फॉर फ्लावर शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. द फ्लावर कलर इज पॉलीजेनिक ट्रेट कंट्रोल्ड बाई 3 जीन्स एंड द जीन्स फॉर फ्लावर कलर इज एपिस्टैटिक टू अनदर एंड द ट्रेट ऑफ फ्लावर इज मैटरनी इनहेरिटेड. तो यहाँ पे जब आपके पास 3 कलर मिल रहे हैं रेड से येलो और ऑरेंज के बीच में, तो अगर आप देख पा रहे होगे कि ये इंटरमीडिएट है. ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको एक इंटरमीडिएट कलर मिल रहा है. रेशियो आप अगर देखोगे तो अप्रॉक्स 1:2:1 का केस मिलेगा. ध्यान दीजिए जरा सा, ठीक है ना. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या बात की जा रही है कि वेन यू हैव द केस कि आंसर जो है आंसर होना चाहिए इसका 1. क्यों? क्योंकि रेड जो होता है एक एक्सट्रीम है जो कि 38 है, इसका इंटरमीडिएट ऑरेंज कलर होता है जो कि 80 है एंड इसके बाद जो है ये है आपका येलो जो कि सबसे लोअर एक्सट्रीम होता है और ये 41. इन दोनों को मिला के ही तो आपका ऑरेंज बनता है ना, रेड और येलो को इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं. तो ये आपका कंडीशन पाया जा रहा है. तो इस कंडीशन में देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 40 के बराबर है, 80 और ये 40 के बराबर, तो रेशियो 1:2:1 आ रहा है. मतलब कहीं ना कहीं 1:2:1 का रेशियो आना यानी ये को डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करना है. तो ये जो कंडीशन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जो है वो शो कर रहा है. दिस इज शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए को जब क्रॉस करेंगे तो आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए मिलने वाला है. ये होता है 1:2:1. ये मिलेगा आपका रेड, ये मिलेगा आपका ऑरेंज, ठीक है ना, और ये मिलेगा आपका येलो. तो ये चीज आपको मिलती है एंड दिस इज द केस. 1st जो है वो राइट आंसर हो जाने वाला है. ठीक है,